राइफल बची तो लाज बचा। यूपी पुलिस की लाज आज इस वक्त बची है जब पिछले दिनों दो कांस्टेबल से बदमाशों की ओर से छीनी गई राइफल बरामद हो गई है। ये पूरा मामला क्या है हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। दरअसल कासगंज के सोरू रोड पर बीते 19 अगस्त को अमेजन के स्टोर का शटर काटने के दौरान दो कांस्टेबलों ने बदमाशों को रोकना चाहा था। उस वक्त बदमाशों ने पुलिस वालों से उनके अनसास राइफल भी छीन ली थी, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से उन्हें खूब फटकार भी मिली थी। फिर कासगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास अपनी छीनी हुई राइफल बरामद कर ली है, साथ ही 20 कारतूस, एक अवैध तमंचा और अपाचे बाइक भी बरामद की है। इस मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर कई राउंड की फायरिंग भी की है। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने बदमाशों के पैरों में गोली मार दी और उसे गिरफ्तार कर लिया है। 5 टीमों का इसमें गठन किया गया। आज एक सूचना मिली कि वो जो राइफल है, एक व्यक्ति जो उसमें मेन जो अभियुक्त है उसके पास है। हम लोगों ने उसकी ये जो सूचना है उसके ऊपर विश्वास करते हुए लगातार चेकिंग का अभियान जो है पूरे जनपद स्तर पे इसमें कराया था। इसी बीच एक मुलजिम को हम लोगों ने बाइक पे आते हुए देखा, उसको रोकने की जो है पुलिस ने कोशिश की, उसको वार्निंग भी दी गई। उसने पुलिस को देखते ही फायरिंग खोल दी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में उसके टांग पे गोली लगी है। तत्काल उसको जिला अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। मौके से एक बैग बरामद हुई है जिसमें इंसास की वो राइफल मौजूद है। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए बदमाश का नाम पवन है, जो कि कासगंज की कोतवाली सुनगढ़ी के कंचनपुर गांव का रहने वाला है, जो कि लूट छिनैती जैसे अपराध में संलिप्त रहता है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है ताकि इनके गिरोह के दूसरे सदस्यों का भी पता चल सके। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने राजपथ टीवी चैनल से। साथ ही राजपथ टीवी को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, साथ ही याद रहे 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।